इडली गुड़गावा बाहर से भी आते हैं, कचौरी आटे की है। अच्छा, आटे की है, अजवाइन डाल के बनाते हैं। एड्रेस है हांसी गेट अपोजिट नेहरू पार्क, 40-50 लोग बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हैं। चोरी छोले 50 रुपये रहते हैं, चावल छोले 60 रुपये रहते हैं। बाहर भी जाते हैं लोग, दिल्ली गुड़गांव ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपको भिवानी की ग्रोवर नमकीन पर ले आया हूं। ये भिवानी के लिए स्पेशल और बाहर वालों के लिए भी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें छोले कचौरी छोले चावल, जो कि मोहनलाल जी ने शुरू किया था, वो अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, आज उनके बेटे चला रहे हैं इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टीम काम पर लगी है। मात्र कचौरी और छोला इतना फेमस हो सकता है कि बाहर से जो भी आता है या शहर में जो भी आता है वो इसको खाना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी जो जुबान पर टेस्ट लग गया तो वो छोड़ नहीं सकता। फिलहाल देवेंद्र भाई हैं, इनसे बात करेंगे। देवेंद्र भाई, कितने साल से ये 1970 हालांकि लिख रखा है, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और क्या क्या यहाँ पर विशेष चीज़ है आपके पास? 72 से शुरू हुआ था, पिताजी ने शुरू किया था हमारे घंटाघर नेहरू पार, अपना घंटाघर टैंकी के नीचे से शुरुआत करी थी, रेडीज लगाते थे वहाँ पे। ये आज इतना बड़ा कारिस्ता बन गया है, ये एक रेडी से शुरू, हाँ रेडी से शुरुआत हुई थी। आशीद, क्या है अपने प्रोडक्ट में, क्या क्या बनाते हो आप लोग? क्या छोले कचौरी बनाते हैं, छोले चावल बनाते हैं, अपने मसालों की स्पेशल हैं, अपने घर के मसाले पीसते हैं, सब चीज़ें, लहसुन प्याज टमाटर का यूज़ नहीं करते हम। अच्छा, हाँ जी। फिलहाल इसकी खासियत मैंने सुना है कि इसको खाने के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होती, फील नहीं होती? तकलीफ नहीं होती, घर के पीछे मसाले हैं, तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, तीखा या नॉर्मल हो, चाहे जितना भी तीखा खाओ आपको एसिडिटी नहीं होगी? नहीं, एसिडिटी नहीं होगी सर। अच्छा, क्या कुछ रहता है इसमें आपकी कचौरी में, क्या कुछ होता है अंदर, कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं? तो हम स्टफिंग करते हैं, मोठ की दाल की स्टफिंग करते हैं, और छोले हमारे मसाले वाले होते हैं। अच्छा, और चावल छोले सोयाबीन वाले होते हैं हमारे। तो फिलहाल ये इसमें मैदा वगैरह का भी? नहीं नहीं, मैदा का यूज़ नहीं होता, कचौरी आटे की है। अच्छा, आटे की है, अजवाइन डाल के बनाते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है आपको, अगर खाएंगे छोले खाने से या फिर आटे की कचौरी खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। शोर्स आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या सबसे बड़ी वैल्यू है इस चीज़ की। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? दिल्ली गुड़गांव बाहर से भी आते हैं, रोहतक हिसार तो शाम आसपास के गांव से आते हैं। पैकिंग करके भी जाते हैं? पैकिंग करके भी जाता है, बाहर भी जाते हैं लोग, दिल्ली गुड़गांव ले जाते हैं। टाइमिंग क्या रहता है आपका? टाइमिंग सुबह 7 से 4। 4 बजे? हाँ जी, 4 बजे छोले और ये खत्म हो जाते हैं? हाँ जी, खत्म हो जाते हैं। लोगों का प्यार इतना है? हाँ जी, प्यार है बहुत। ऐसा भी हो कि रात तक बैठना पड़ा? नहीं नहीं, रात तक नहीं, 4 बजे तक होते हैं बस। अच्छा, हाँ जी, तब तक फिनिश हो? हाँ, फिनिश हो जाता है। क्या कुछ खास, कहाँ के लोग, जैसे आप बता रहे हैं गुड़गांव, विदेशी या ऐसे कोई लोग भी है विदेशों से जो लोग हैं वो भी आते हैं? हाँ, जब आते हैं इंडिया तो खा के जाते हैं, जब भी आते हैं भिवानी आए तो कई साल में आए तो खा के ही जाते हैं, स्पेशल भी आते हैं कई जगह। क्या कुछ प्राइस क्या कुछ रहता है? कचौरी छोले 50 रुपये रहते हैं, चावल छोले 60 रुपये रहते हैं। और मैंने सुना है ये अंकल जी के टाइम जब बाद में यहाँ बैठा करते थे, मात्र ये छोटी सी दुकान थी, अब आप लोगों की डिमांड इतनी बढ़ी है कि आपको पीछे तक ज़्यादा वो करना? हाँ, सीटिंग हमने बढ़ाई है अब काफ़ी। अच्छा, दिक्कत होती थी इधर जगह में। अच्छा, हाँ अब हमारे पास अच्छी जगह है, 40-50 लोग बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हैं, और एसी में बैठ के, एसी में बैठ के खा सकते हैं। पीछे तक दिखा दें, पीछे तक स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं। और टीम काम कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टीम है, इनको कितना वक्त हो गया आपके साथ काम करते करते, इसको इजीली बनाना बना सकता है कोई भी आदमी या पुराना कारीगर? कारीगर ही बना सकता है जी। अच्छा, हाँ जी। कारीगर कहाँ की टीम? यहीं भिवानी के ही, हमारे बाहर के भी लोग काम करते हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा? हमने 7-8 बंदे काम करते हैं हमारे पास, टोटल 7-8 लोग काम करते हैं। हाँ जी। इसमें क्या कुछ कितने पुराने लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितने टाइम से? 20-20 साल से लड़के काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं हमारे पास। लोगों का कितना प्यार मिलता है भिवानी वालों को? बहुत प्यार है जी हमारे। फिलहाल और क्यों, क्या कुछ खासियत है आपकी, इसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट आपने? अभी तो दही लस्सी का स्टार्ट किया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक दही लस्सी के साथ ऐड किया है। वैसे तो छोले कचौरी सब बनाते हैं, लेकिन आप वाली में इतना ज़्यादा लोगों का प्यार क्यों है? सब बनाते हैं, हमारा अलग है, पिताजी ने कुछ अलग सिखाया हुआ हमारे को। अच्छा, हाँ उनका अलग। मसाले बाहर मिलेंगे? नहीं नहीं, बाहर नहीं मिलेंगे। और ये टेस्ट भी नहीं, नहीं, हम खुद का ही पिसवाते हैं गर्म मसाले। ज़्यादा सेल आपकी गर्मियों में होती है, सर्दियों में? गर्मियों में ज़्यादा रहता है। अच्छा, हाँ।
वैसे तो तीखा और एकदम गर्म आइटम है, सर्दियों में ज़्यादा लोग खाने चाहिए, लेकिन गर्मियों में भी पसंद करते हैं। गर्मियों में पसंद करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये आपने हर्ड वगैरह और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाजमे के लिए भी रख रखा है। अच्छा, हाँ चलिए। फिलहाल और फादर साहब आपके कब एक्सपायर हुए? ये 17 दिसंबर को एक्सपायर हुए थे। हाँ जी, अभी कुछ समय पहले। हाँ जी, कुछ समय पहले। लोगों का, मैं खुद आता था यहाँ पर, देखता था, अंकल बैठते थे, और आज भी लोगों की इतनी देखी, कस्टमर इस तरीके से खड़े रहते हैं और वेटिंग चलती रहती है लोगों की। एक साथ पूड़ियाँ बनती हैं और जो हैं कचौरी बनती हैं, उसके साथ साथ छोले और जो चावल हैं वो मात्र कुछ घंटे में फिनिश हो जाते हैं। लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। और कस्टमर का दिखा दूँ आपको, कस्टमर देखिए, अंदर की सिटिंग फुल होने के बाद बाहर भी कस्टमर को बैठना पड़ता है। स्पेस इन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग बाहर से आते हैं। इसके साथ साथ हरी मिर्च को, तली हुई हरी मिर्च का जायका भी आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं साथ में। तो फिलहाल भिवानी की ये एड्रेस मैं एक बार बता देता हूँ। भाई साहब एड्रेस क्या कुछ? एड्रेस है हांसी गेट अपोजिट नेहरू पार्क, ग्रोवर नमकीन। वैसे किसी ने बाहर मंगवाना हो तो वैसे भी जा सकता है ऑनलाइन? ऑनलाइन हम जोमेटो पे है। अच्छा, हाँ जोमेटो पे डिलीवरी करते हैं। चलिए, जोमेटो से आप सर्च कर सकते हैं अगर भिवानी में रहते हैं, आसपास जगह में रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ होर्डिंग जो है ग्रोर नमकीन का, और फिलहाल आप पहुँचे यहाँ पे। जो लोग जायके के दीवाने हैं और जो टेस्ट के दीवाने हैं वो लोग नेहरू पार्क के सामने कभी ट्राई करें। अब 1970 से लगभग 72 से दुकान चल रही है, और लोग यहाँ पर, आपके दादा परदादा ने खाई होगी, आज आप भी खा सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखें। तो सबसे बढ़िया टेस्ट है भिवानी में, चावल छोले चावल का बेस्ट है। अच्छा, हाँ सबसे बेस्ट है। हाँ, क्या कुछ खास लगता है यहाँ पे? टेस्ट सबसे अलग है। हफ्ते दो हफ्ते में आता रहता हूँ यहाँ पे। क्या कुछ खास है? खास इनकी जो चावल है ना, छोले चावल, वो बहुत लोग छोले चावल खाते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या प्राइस के हिसाब से सस्ता ही है? प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। सेहत के लिए कैसा है? सेहत के लिए बिल्कुल सही है, फिट है, दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती जी। टेस्ट खाने में भी बढ़िया है और स्पाइसी है, बढ़िया मस्त मज़ा आवे खाने में। कितना दिन आना पड़ता है टेस्ट की लेते हैं? हफ्ते में 3 बार चक्कर लगता है जी। अच्छा, हाँ जी। मैं 1.5 साल के बाद आया हूँ मैं, पर इनका बढ़िया लगता है। इनका टेस्ट वो किस लेता है? भिवानी यहाँ आना होता है, हरियाणा तो आ जाते हैं। हाँ, अभी कितने टाइम आ लिए पहले, इससे पहले? इससे पहले मैं 4-5 बार में पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं यहीं देखता था, मैं पूरा हिसार हरियाणा वगैरह देखता था। तो अभी बहुत टाइम बाद आया, यहीं आए थे कस्टमर मीटिंग में, तो मैंने एक बार क्या कहते हैं खा के चलते हैं। भिवानी चीज़ें तो और हैं, यही क्या खास है इनमें, क्या खास है? पता नहीं, टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है इनका। अच्छा, दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं देता खाने के बाद? नहीं नहीं, बहुत है। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है।